है व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल हसन व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दे, और कैंडली अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, लाजमी शेयर करें वीडियो को। तो आज का हमारा व्लॉग है, हमें समझ नहीं आ रही कि किस टॉपिक में बनाए, हम इस्लामाबाद के किस कोने में जाएँ, किस व्यू पॉइंट पर जाएँ, क्योंकि हमने मुसलसल 3 से 4 दिन हो गए हमने इस्लामाबाद को पूरा पूरा एक एक कोना देख लिया, छान बीन लिया। अब हमें समझ नहीं आ रही कहाँ जाएँ हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जाएँगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई हमारे दोस्त बता रहे हैं कि एक साथ ही कोई जगह है यहाँ पे, मुनालवा होटल नहीं है उसके साथ एक पहाड़ी इलाके में कोई जगह है, व्यू पॉइंट है वहां पे, मे भी हम जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो हम जाएंगे यहाँ पे जिना सुपर मार्केट में, वहां पे अपने दोस्त को पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे कहाँ का प्रोग्राम बंद है वो वहां पे पता चलेगा हमें। अच्छा तो हम अपने फ्लैट से बाहर जा रहे हैं, आइए अल्लाह करके आ जाना यहाँ जल्दी यार। बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमें ड्राइव करा के जिना सुपर मार्केट पहुँचने के, वहाँ पे अपने दोस्त को करेंगे पिक, उसके बाद देखते हैं हमने कहाँ जाने का फैसला करते हैं। मौसम तो आज भी सुहाना है, ये देखिए टाइम इस टाइम हो गया 12:30 हो रहे हैं, आपको पता है हमारे आजकल सोने का टाइम होता है सुबह के 4-5, उठने का टाइम होता है 12:00। जी तो टैक्सी वाला आ गया, हम बस रवाना हो रहे हैं अब जिना सुपर मार्केट। तो चलो यार बैठो, ये देखो गरीब लोग टैक्सी में सफर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस हम अब मार्केट में पहुंच चुके हैं, मार्केट में पहुंचने के बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम है कि हमने पढ़नी है नमाज, ये देखिए वजू कर रहा है, इसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाए, इरादा भी बनाया हुआ है यहाँ पे इस मार्केट में सफ़ा गोल्ड माल है माल, वहाँ पे जाने का देखते हैं क्या बनता है आगे। दोपहर की नमाज अदा कर ली, अब हम जा रहे हैं सफ़ा गोल्ड माल में जो यहाँ का इनकी इस मार्केट का जिना सुपर मार्केट का बहुत बड़ा माल है। वो मेरे दोस्त कह रहे हैं ना यहाँ पे पेंसिल लेना भी एक बड़ी बात है। महंगी महंगी ब्रांडेड चीज़ें वगैरह होती हैं, तो चलते हैं यहाँ का विजिट करते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। गोल्ड माल के सामने आ चुके हैं, ये देखिए आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इनके गाय कहने हैं माल के, ये देखिए आपके सामने है सारा का सारा माल। लेकिन यहाँ पे किस से एग्जाम गरीब लोगों को यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे, चलोगे तो पर मुझे तो नहीं लगता। और दूसरा आप व्यूअर्स के माइंड में ये बात ना हो कि हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हैं, हम गरीब लोग हैं सिर्फ विजिट करने जा रहे हैं। अगर मे भी इसकी एंट्री हुई ना सेंटोरस की तरह तो हमने बस दरवाजे को हाथ लगा के वापस ही आ जाना है। ये देखे यार माल तो मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमारी गुजी नहीं है कोई, एक छोटी भी एक बुनैन लेने की भी यार, मैंने बेल्ट लेनी थी एक इधर से ले लूँ यार, बेल्ट वगैरह पता है कमाए 3,000-3,500 की मिलेगी, नहीं है इतनी के 2,500-3,000। चलो 2,500-3,000 की, 2,500-3,000 की भाई, वो हम जो हमने कल परसों ली थी वो 1 डॉलर शॉप से ली थी, यहाँ से नहीं मिलेगी 2,500, यहाँ से मिनिमम 2,500 की ऐसे ही है ना। व्यूअर्स कमेंट में बताएंगे हमें, ओके अंदर चल के आपको फिर दूसरा नज़ारा दिखाते हैं हम क्या कैसा माल है, मे भी अगर हमारी एंट्री अंदर की हो ही जाती है तो। यार एंट्री की साइड से हमें तो एंट्री भी करनी पता चल रहा, मे भी मेरा माल बंद तो नहीं है यार, आज संडे का दिन है वीकेंड है, ये लगता बंद है यार अंदर, खामोशी खामोशी चाहिए हुई यहाँ तो महंगा इतना और ये तो 3 तो हो ही रहे हैं, अब ये खुला हुआ, ये देखो सामने देखो खुला हुआ है। हाँ ये आप एक और बात है, यहाँ पे माल वगैरह मेहरान के रात को होती हैं तो हम गुजर रहे थे, हमें जिस टाइम टाइम मिला हम उनसे औरों को फॉलो करते हैं, हम अपने खुद ब्रांड है, हमने खुद अपने टाइम पे आना जाना होता है उनके ब्रांड पे। थोड़ी ये देखें एंट्री हो गई हमारी, माल चेक कीजिएगा जी, ओए होए कमाल है यार जी, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, सेम मेरे यही वार्ड है सेंटोरस से भी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए व्यू चेक करें इसके अंदर का बाहर का, ये देखिए सफ़ा गोल्ड माल के, सफ़ा गोल्ड माल नाम है ना यह माल का ना, हाँ सफ़ा गोल्ड माल नाम है, पता नहीं मुझे तो नाम का भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस बेस पर उन्होंने नाम रखा हुआ, इतना बड़ा माल है नाम मुझे इनका पसंद नहीं है। इस टाइम हम इतने ऊंचे आए हैं, मुझे तो डर लग रहा है बेटा मेरा, कहीं से मोबाइल ना तो छूट जाए, घर वालों ने मुझे वापस नहीं आने देना। ये और भी 3-4 फ्लोर बाकी है मीन के, आई थिंक वो हैं फ्लैट्स वगैरह हैं ऊपर, तो यहाँ पे चीज़ मीन के हम तो कुछ नहीं ले सकते, यहाँ पे जो हमें रेट वगैरह देखे हैं अभी, हम मेरे भाई को पसंद है वो एडिडास के ट्रेनर, तो रेट पता करें कि 35,000 के, तो हम टोटल हमारी जेब में 35,000 लेके भी नहीं है इस्लामाबाद और सकतू वगैरह जाने का हमारा प्रोग्राम था, यहाँ से एक ट्रेनर 35,000 के हैं
वो कितने आगे निकल गया यार यार यार, ये सामने जो है ना ये देखे, ये स्टाइल एंड कम्फर्ट वाले, ये देखे यहाँ पे बेड वगैरह कुछ चेयर वगैरह है, या तो ब्रांड का नाम है ना स्टाइल एंड कम्फर्ट, मैं तो पहले ये देखा न्यू होगा तो इनके प्राइस भी कम होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे यार। ये वाले मुझे टेबलें बड़ी पसंद आ रहे हैं, विजिट करें इनका, तुम्हारे मुताबिक कितने तक होंगी ये? आई थिंक 2 लाख तक होंगे। ओए भाई मेहरबानी कर, होगी 20 से 30 हज़ार मैक्सिमम, जाके देख लेते हैं। 20 से 30 हज़ार मैक्सिमम की होगी। कहाँ देखते हैं, कहाँ घूम रहा है तू? ये वाले मुझे पसंद है, रेट लिखे हुए हैं ये देख। ओह माय गुडनेस, बारह हजार मुझे यहाँ पड़ता है, हमें यहाँ से भगवान ना कर ले जल्दी बाहर आ जा। तो 284,000 की मैंने जो पहले कहा, देखिए देखिए ये 4 टेबलें हैं, वो 4 टेबलें हैं, 4 चेयर और 1 टेबल है, 2,84,000। अगर तूने अभी ये सेट लेना है ना मेरे भाई, तुझे पहले अपना मोबाइल इधर रखना पड़ेगा। बस मैम फिर भी जरूरत ही नहीं है, फिर भी और पैसे हमारे इलाके में मुझे ऐसा सेट 5,000 में मिल जाता है। हमारे इलाके में मिल जाता है यार, नहीं मिल जाता है ये, बस ऐसे ढूंढ रहे हैं। देखिए आजकल के ब्रांड्स लोग काम चेक करेंगे, स्ट्राइड एंड कमांड मैंने कहा ना अभी पहली मरतबा सुनो, कोई सस्ता ब्रांड होगा इनके, देखिए सोफे वगैरह का रेट यहाँ से नजर आ रहा है, नहीं यहाँ से नहीं नजर आ रहा है ये, तो फिर ये भी ऐसे होगा तकरीबन 2-2.5 लाख का मिल जाएगा। कितने महंगे हो गए यार, समझ नहीं आ रही, हम इतने गरीब हो गए हैं या लोग अमीर हो गए इसकी कर, हम महंगाई के घर से बाहर निकल चुके हैं। बहुत ऐसा सुहाना मौसम बना हुआ है, देखिए बारिश है, बड़ा सुहाना मौसम बना हुआ है आज। देखिए यार आगे आप कहाँ चलने का इरादा है फरहान भाई? यार मौसम बना हुआ है चाय का, चाय पीते मैं कहता हूँ। देखिए अगर है कबार भी चाय का इरादा है इस सुहाने मौसम में ना, चाय पीने का मजा ही कुछ और लग रहा है। अब तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल रही है, बारिश अभी रुकी है, मौसम इतना सुहाना हुआ पड़ा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम मरी में बैठे, लेकिन बैठे अभी हम इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। अभी इरादा है कि हैं और जाने का यार, कहाँ जाने का इरादा है यार, कि बताओ ना। अरे भाई फैसल मंदिर के साथ है जापानीज़ गार्डन, जापानीज़ गार्डन जाता कर रहे हैं, मैंने तो पहली मरतबा नाम सुना भाई। अगर हम चलते हैं ना वहाँ पे, हाँ फुल इंजॉय करो। अच्छा फुल इंजॉय, ग्रीनरी वगैरह वगैरह ये नेचुरल ब्यूटी सारी वहाँ पे। अच्छा तो देखते हैं भाई, दोस्त ने मशवरा तो दे रहे हैं कि जापानीज़ गार्डन चलते हैं, अगर प्रोग्राम सारे दोस्तों के अगर सेटिस्फाई होती हैं, ये फरहान बैठे हैं, फहीम बैठे हैं और मैं तो हर जगह पे रहती हूँ, जहाँ पे जाना मैं रेडी होता हूँ पहले, तो अगर चलते तो हम इंशाल्लाह वहीं जाएंगे। हाँ भैया सन खान कहाँ चले गए हो, ये कौन से सॉन्ग सुन रहे हो? ना पूछो यार ना पूछो, आज बड़ी पुरानी यादें ताबे कर रहा हूँ मैं, बड़ी यादें आ रही मुझे। वाह भाई वाह वाह, एक वक्त हुआ करता था जो अब गुजर गया है बस। वो नहीं तुम्हारा नहीं सकता वो वक्त, बस यादें बस ताज़ा ही हो सकती हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। जब मैं चाय पीता हूँ ना, अच्छा तो इस टाइम की सांग लगा के पीता हूँ ना, मज़ा आता है मुझे बड़ा, पुरानी यादें आती हैं मिल के। अच्छा दिल में वो उदासी होती है ना, और इस उदासी से मुझे मज़ा आता है, ये पुरानी यादों वाले जो होते हैं ना, मतलब काश वो पल वापस लौट सकते हैं। आप तो चले गए यार, नहीं आ सकते आप। मुझे लगता है तुम्हें किसी की याद आ रही है अभी। किसी की याद में तो ऐसे सॉन्ग लगाए जाते हैं बेटा और ऐसे कौन सुनता है ऐसे सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग और वो भी इनके बहुत पुराने 20-25 साल पुराने सॉन्ग। आजकल के जो सॉन्ग है, जो सैड सॉन्ग होते हैं, जो सॉन्ग है अरिजीत सिंह को कह रहे हैं, आदम असलम कह रहे, ये सॉन्ग है नहीं नहीं आए ये वो ये जुमला, सारे वादों का होए 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 बस कर दे यार, ये सॉन्ग बंद कर दे, तेरी आंखों से पानी आ रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ। यार ये गाना यार, इस गाने में बड़ी यादें हैं यार, सारे वादों का भरम पल में वो तोड़ गया, ओ हो लो का
मेन ड्राइव वाला आ गया, हम जा रहे हैं जापानीज गार्डन की तरफ। तो बस अब रवाना हो रहा है। इस टाइम तो गरीबों के नसीब में पैगनार आ गए, लेकिन लास्ट टाइम दो तीन मत बताओ आपके सामने टैक्सी भी थी, वो भी 1996 मॉडल। बैठने को जा रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। चिल्ड्रन पार्क जा रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मेन ड्राइव वाले ने हमें अपनी लोकेशन पे ड्रॉप कर लिया है। हाँ यार कमर भाई यही है ना, जब इस साइड में आ जाओ यार। यहाँ के एनवायरनमेंट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारी नेचुरल ब्यूटी वगैरह, ये देखिए। मेरे भाई मैं बताया यहाँ कैसे आया था। मैं जाना कहीं और पार्क में था। अच्छा वो मैं गलती से इधर आ गया था। गलती वेलकम सी डी। ये क्या चीज़ें हैं बताइए। सी डी है, सी डी क्या होता है। कैपिटल का है ये, कैपिटल का ये एब्रिविएशन होगा मे बी किसी चीज़ का। मैं मैट्रिक पास हो, मुझे क्या पता चलता है कि यार एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे। उस दिन वो दामिनी को नहीं कहते, ये देखिए सामने तो पहाड़ी दामिनी को और मुरानी सी साइड पे है ना। इसी साइड यही रास्ता जा रहा है। हाँ यही रास्ता जा रहा था। यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट सारी नेचुरल ब्यूटी से। नेचुरल ब्यूटी की अगर बात कीजिए ना, पूरा का पूरा इस्लामाबाद भरा पड़ा नेचुरल ब्यूटी से। तो रिजेक्ट वगैरह पहले ही कौन से हमारे पास होते हैं। आज टाइम तो रिजेक्ट ही हुए हम। इधर पूछते हैं यार, इधर आना। कॉन्फिडेंस शो कराना, तू खुद को कहता बड़ा बंदा हूं मैं। चल जरा कहने आज दे इंटरव्यू देना। तू भाई तुझे सिखाया लाहौर में मैंने। हां लाहौर में जहां भी जाते थे ना इंटरव्यू दे के दिखा रहा मुझे। मैं इंटरव्यू सबसे पहले देता था। ये बातें बातें बस इधर बातें छोड़ने का तरीका ऐसे आता है। गजब बेइज्जती है। दो इंटरव्यू मेरे। वो खुद अभी तैयारी क्या, खुद अभी तैयारी कर लेंगे। घंटा लगेगा तैयार होने में। उन्होंने क्या जब बुलाए लड़कियां आई क्या, जो लड़कियों को घंटा डेढ़ घंटा लग गया था तैयार होने में। हम जाके सीधा उनको इंटरव्यू दे दें। तो यार पूछे टॉपिक कौन सा है, कोई डिफरेंट टॉपिक होता है, कोई पॉलिटिशियन के रिलेटेड, कोई फनी होता है, कोई मजहबी होता है, कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड होता है, कोई इनके इस्लामाबाद अपने पाकिस्तान के बारे में होता है, कोई ओवरऑल कंट्री के बारे में होता है। यही पार्क के बारे में पूछेंगे। ये क्या आपको कैसा लग रहा है और क्या सारे वादों भाई आप लोग पागल हो गए हो ये सॉन्ग सुन के। पल में वो मैंने तुमको छोड़ गया। यार इस पागल हो गए किस बात का। इस जुमले में कमर भाई की मेरी बड़ी पुरानी यादें हैं यार। बात सुनो, ये कह रहा है कि मैंने आपको सॉन्ग नहीं सुनाना था। यानी कि हर किस्म की बुराई की जड़ इसने ही रखनी है। बुनियाद यही है। बिल्कुल बिल्कुल, डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा यार छोड़ो इन बातों को, हम व्यूअर्स को अपना ये व्यू वगैरह दिखाते हैं। बैटरी के ऊपर जो कैमरा ये असर गुनाहों की जड़ तो ये है ना। इनसे इनका भी आज इम्तिहान होगा जी। यार दिल को सुकून मिल रहा है यार ये नजारा देख के, ये नेचुरल ब्यूटी देखे पाकिस्तान की। हम तो पता नहीं किन किन देहातों में। मुझे वॉशरूम आया हुआ है पहले। तो वॉशरूम में मैंने ठेका लिया हुआ इधर गया। चेक कीजिएगा ये व्यू है सारा का सारा नेचुरल ब्यूटी। जहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक रुपया भी नहीं खर्च किया हुआ, ये सारे के सारे है नेचुरल ब्यूटी का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में खर्चा किया हुआ लाहौर वगैरह में। लाहौर वगैरह में क्या वहाँ के आपको पता है इसके कैसे कैसे ग्राउंड है। वो ग्राउंड हो जाए पार्क वगैरह हो जाए बहुत कुछ। ये किस टाइप का यार झूला यार ये। तो गाइस आगे चलते आगे देखने को क्या मिलता है। आए तो हम भी पहली मरतबा आए हैं यहाँ पे। ऊपर चाड़े चढ़ रही हैं सीढ़ियाँ वगैरह, आगे हैं तो पहाड़ी वगैरह। देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें। आ जाओ यार जल्दी आना यार आगे। तुम पहले कभी यहाँ पे आए क्या आगे। अरे भाई यार चलो देख आगे व्यू पॉइंट है सीधा। व्यू पॉइंट मुझे लग रहा है जैसे पूरे लाहौर में नजर है। तू आ लाहौर का कंपैरिजन इस्लामाबाद के साथ ना कर। लाहौर के कौन से मालिक हम खुद हैं। तू बार बार जो बात होती तू कहता है कि लो नहीं ये चीज़ नहीं है। ये देखे सामने इसका आपको व्यू दिखा दे हम सारे बाहर। तुम लोग फोटो क्या इधर बनानी है। चलो आगे ऊपर चल के बनाते हैं। और ये भी हमारे दोस्त हैं, तकरीबन 50+ पिक्चर बनवा चुके हैं। कहते हैं कि अभी हमारी फोटो नहीं बनी जाएगी। ये अब शक्ल देखे इसने किस टाइप की हुई है। लोमड़ी जैसी शक्ल की हुई इसने। ये फंस गया सी है ना। शुक्रा इंसान है ना शुक्रा। 50+ पिक्चर इसने ली हुई नहीं। अभी मेरी ये कर लो, अभी मेरा स्लोमो लो, अभी मेरी वीडियो बनाओ, अभी मेरी
मैं इस पोज में करूँगा, जो पिक्चर बनाओ ये करो वो करो, तो इसका तो नखरे यार मेरा समोसा तो उठा दो। आ जाओ भैया तुम उसे आ गए, यहाँ में इतनी भूख लगी देर वाले समोसा बचना नहीं है हमारे यहाँ, टेस्ट चेक करो ये देखिए इतना तो समोसा है। हाँ जी आ गए, कब से आ गए यार बता तो सही, नहीं तो हक पे डाला डाल रहा था भाई, बड़े भाई पे डाला यार, टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, हक बनता है इसका यार, ऐसे तो ना करो ना कमाल का भाई को बताओ ये किसने इसको तोड़ा है मुझे ये बताओ जरा, ये अजीब गर्म है यार, ये गर्म है इतने ही होते हैं जी। तो गाइस पेट पूजा करने के बाद हम आ गए असर की नमाज अदा करने, इस टाइम सब अच्छे हो रहे हैं, हमने जो अदा कर दिया असर की नमाज सामने मस्जिद वगैरह भी शुरू यहाँ पार्क के अंदर, यहाँ पे नमाज की अदा करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं आगे हम यहाँ पे स्टे करते हैं या दोबारा किसी और जगह पे निकल जाते हैं। वाले थे हमें अपनी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया यार, अब कहाँ चले आप दोबारा फिर वही जिना सुपर मार्केट में आ गया है, मैं काफी थका हुआ था उस टाइम, अभी थोड़ा मुझे रिफ्रेश होने दो, पहले चलते हैं सीधा स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर खेले पहले स्नूकर खेले थे जी, ये हमारे दो स्नूकर खेले थे रिफ्रेश हो जाएंगे माशाल्लाह। यार बहुत कुछ किया हमने, तुम बैठे रहे हो ना, हमने तो बहुत कुछ किया, हमने तो काफ़ी इन्जॉयमेंट वगैरह की है ना, बताओ यार फिर कहाँ चलें आप, कहाँ चलना है यार, चलो चलो स्नूकर, स्नूकर पे चले फिर यार, संडे का दिन है वहाँ पे रश होगा, रात को चलेंगे। यहाँ पे जीजस ब्रांड इन्होंने लड़के थे सुनीली, ये कह रहे हैं कि आप जीजस की एक कोई डील लेते हैं, कौन सी डील का कह रहे हो तुम मुझे यार, डील नंबर 4 है उसमें 3 बर्गर हैं और 2 पीसेस हैं, और मैं तो कहता हूँ ये वाली ये वाली, हाँ ये यार 1800 रुपए की डील है, हम 3 पे अफोर्ड कर सकते हैं यार, फिर और क्या करें और कहाँ जाए, उधर जाए तो उधर सिंगल बर्गर हमें 600 का मिल रहा है, तो उससे अच्छा नहीं है, ये ब्रांड भी है इससे खा लेते हैं यार, ब्रांड को छोड़ो 1800 रुपए अफोर्ड हम कर सकते हैं, हम अपने इलाके में 100 रुपए वाला बर्गर को भी हफ्ते में एक बार खाते हैं, वो फिर खाने के काबिल होता है। वो एक और बात है, लेकिन अब हम मिडिल क्लास से भी नीचे की है, हम चीजें को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्या कहते हो यार तुम, यार अच्छा खा लो यार, तुम देखो भी बार ये अब चीजें का पता नहीं, मेरे कहने पे तुम चलो, तुम्हें अच्छा चलो अच्छा लगे, बिस्मिल्लाह करो जी, बिस्मिल्लाह करो, चलो यार चलो आ जाओ आ जाओ यार, आज हम जा रहे हैं चीजें में, आ जाओ कान भाई, आधा घंटा वेटिंग करने के बाद चीजें के माहौल में आ गए, वेटिंग है जी, इंतजार है हमारे इन दोस्तों का कि कौन सी डील ये चूज करते हैं, स्टार्टिंग में तो यार ये वाली डील चूज की थी ना, डील 4 कहाँ पे, ये तो मेन्यू ही हो रहा है यार, ये देख नहीं यार वो वाला मेन्यू है तो डील 4 देखो, डील 4 कौन सी है फरहान भाई, आपने तो चूज की थी ना, ठीक है मैं तो यार पहली बार पर धीरे धीरे आ रहा हूँ, तो आप ही की सोचा है यार, ये भी रुपया पैसे दे इनके कहानी होती, ये वाली यार जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच लो बहुत महंगी है, कुछ नहीं होता एक बार खाएंगे कौन सा, हमने लो लो फिर अगर है ये हालात चलेंगे ना तो हम नारायण का गानी निर्यात नहीं जा पाएंगे बेटा, यार मुझे तो लगता है कि हम घर से स्कर्दू का सोच के आए थे, हाँ सोच के स्कर्दू का आएगी बस पहुँचे हम यहाँ इस्लामाबाद तक ही है, चार दिन इधर हो गए ठीक है, हाँ हमारी तो ऐसा ऐसा इधर पैसे लग रहे हैं, देखो चलो अच्छा ये जान करो आप इतने अंदर आ गए, आप इतने भी हम बेइज्जत नहीं है, यहाँ से बेइज्जती करा के जाए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है ये यार डन कर दो बस, अब मजीद आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, और भी आधा घंटा हमने बाहर वेट किया और आधा घंटा हम यहाँ हाल में चीजें वाले वेट करवा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा चीजें पे इतना रश लगा हुआ है ना, मुझे तो लगता है फरहान भैया 90% ऑफ तो नहीं है, इतना रश लगा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं होता आज बेसिकली संडे, अच्छा बाहर निकली हुई है इस वजह से कोई इधर आप यार
आ गया, संडे का दिन है, दिन है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन रश देखिए यार, बाहर लोग बाहर वेट कर रहे हैं, लोग बाहर क्या उस साइड पे वेटिंग का हाल है, वहाँ पे लोग बैठे हुए। जैसे हमने आधा घंटा अपने वहाँ पे स्पेंड किया और आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड किया हुआ हमने, लेकिन हम उन्हें जान नहीं, दूर दूर तक कोई हमें मिल के अलामत नजर नहीं आ रही कि हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा हो। देखते हैं और कितनी कितनी वेट करनी पड़ती है हमें। आखिरकार चीज़ें सारों को हम पे तरस हो रहे हैं, मैं हमारा ऑर्डर बने तक पहुँचा दिए। भाई क्या कहने होंगे आपके यार, तो मैं तो लाइफ में पहली मरतबा आ रहा हूँ, वो भी आपके कहने पे। मैं पहले जल्दी जल्दी खा रहा हूँ, बिना बाद में बना देना मुझे। यार भूख मुझे नहीं लगी हुई क्या? तुमने पहले यार ये अंदर होता कैसा है, ये कट चेक तो करने दे मुझे, क्या होगा इसे अंदर? इसे क्या कहते हैं, जिंगर बर्गर कहते हैं इसे? ये देखो ये वाला एक बर्गर का नाम जिंगर है ना, जिंगर बर्गर। ये बस ये डील है ना, उसके साथ यही होते हैं। सीधी बात बताओ, तू भी मेरी इतना गरीब है, तुझे नहीं पता ना सीधी बात क्या है ना, जो डील होती है यही होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिंगर है तो तुम्हें कौन सा लग रहा है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ ना। जिंगर बर्गर है। अच्छा ओके जी, अब दोस्तों खाते हैं तो फिर आपसे बाद मुलाकात, पेट मुझे तो पहले कर लें। हाँ भैया सन, क्या कैसा टेस्ट लग रहा है इसका? खाने तो देख ले, खा लेना, तुझे बहुत शौक है। आज का हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे खत्म। आज के व्लॉग में आपको काफी कुछ देखने को मिला होगा। अगर आज का हमारा व्लॉग आप सबको पसंद आए तो हमारे कैंडी हमारे YouTube चैनल हसन व्लॉग ऑफिशियल हमको सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कजन रिश्तेदार वगैरह के साथ भी शेयर करें, और हमें आप सबकी फुल सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।